नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे मोबाइल की स्क्रीन को पीसी पर कैसे शेयर किया जाता है। मोबाइल की स्क्रीन को पीसी पर शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर बटन को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है क्विक सपोर्ट। जैसे हम क्विक सपोर्ट टाइप करते तो यहाँ पर हमको टीम व्यूअर का ऑप्शन देता है, उस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद वो पहले स्कैन करता है हमारे सिस्टम को। स्कैन करने के बाद हम इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। इस ओपन बटन पर क्लिक करके हम इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको हाउ टू कनेक्ट टू दिस डिवाइस के अंदर इस URL के साथ में यहाँ पर आपको यूअर ID दी हुई होती है। आपके मोबाइल की जो ID होगी वो आपको यहाँ पर शो की हुई होती है। अब हमको यहाँ पर जो URL दिया गया है ये URL अपने PC के Google Chrome में ओपन करना है। ओपन किया हमने, यहाँ पर हमको गूगल क्रोम ओपन करना है तो गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको जो ये URL दिया गया ये URL हमको अपने गूगल के URL में टाइप करना है। तो https://start.teamviewer.com https://start.teamviewer.com एंटर करते हैं। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ID आपसे पूछी जाती है। तो आपके मोबाइल पर जो ID आपको शो की गई है क्विक सपोर्ट के यहाँ पर, तो आपके फोन में जो ID दी गई है उस फोन को ID को यहाँ पर एंटर करें 15993703 और कनेक्ट टू पार्टनर पे क्लिक कर दें। हमको जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो टीम व्यूअर डाउनलोड करके हमको प्रोवाइड करता है। इस ओपन URL टीम व्यूअर 10 प्रोटोकॉल पे क्लिक करें तो वो टीम व्यूअर हमको डाउनलोड करके प्रोवाइड कर देता है। हमने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए वो डायरेक्ट ओपन हो गया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो वो खाली स्क्रीन ओपन करता है। फिर ऐसे ही हमारे फ़ोन के ऊपर अलाउ रिमोट सपोर्ट करके एक नोटिफिकेशन आता है, उसको अलाउ कर देना। और जैसे ही हम अलाउ करते हैं तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पर कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने से पहले वो हमको क्विक सपोर्ट विल स्टार्ट कैप्चर एवरीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन यूर स्क्रीन स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन आपके PC पर शेयर हो जाती है। आप उसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहें तो आप उसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कोई भी ऐप वगैरह भी ओपन करना चाहें तो यहीं से अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके ओपन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब